हेलो बच्चों, हमने अब तक देखा था मैथिली शरण गुप्त की कविताएं हमने पढ़ी थी आपके जो कोर्स में फर्स्ट पेपर में हैं। पहली कविता थी हमारा निर्बल का बल, दूसरी हमारी कविता थी कुछ न पूछ मैंने क्या गाया। तो आज हम तीसरी कविता पढ़ेंगे जीवन का अस्तित्व। जीवन का अस्तित्व किस में है, किस तरह का है, मनुष्य का अस्तित्व किस में है, मनुष्य ज़िंदगी भर क्या करता है, किस तरह से जीता है, उसके जीने में उसको क्या मिलता है, तो ये सब बातें इसमें मिलेगी मोटा मोटे रूप में। तो हम चलते हैं जीवन का अस्तित्व में। तो जीव हुई है तुझको भ्रांति, जीव हुई है तुझको भ्रांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। अरे किवाड़ खोल उठ, कब से मैं हूँ तेरे लिए खड़ा, सोच रहा है क्या मन ही मन मृतक तुल्य तू पड़ा पड़ा, बढ़ती ही जाती है क्लांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। और यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि इसमें सांसारिक जीवन में है आलस्य और प्रमाद को छोड़ करके मनुष्य को है हमेशा गतिशील रहना चाहिए, गतिशील आगे बढ़ने की सोचना चाहिए, गतिशीलता में ही विश्वास रखना चाहिए। तो यहाँ इसका अर्थ होगा कि कवि सांसारिक प्राणी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे जीव, जीव हुई है तुझको भ्रांति, तुम्हें ये भ्रम हो रहा है, शांति नहीं यह तो है श्रांति। जिसे तुम शांति समझ रहे हो, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं हाँ आज तो परम शांति, वो शांति जो तुम समझ रहे हो जीवन में आकर के, वह तो थकावट है, काम करने की बात की थकान है। अरे मानव, अरे किवाड़ खोल उठ, कब से मैं हूँ तेरे लिए खड़ा। अरे मानव उठो, किवाड़ खोलो, किवाड़ का मतलब यहाँ पर दरवाजा नहीं, मन का दरवाजा, आत्मा का ज्ञान। तो किवाड़ खोलो, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़ा हूँ, यहाँ कह रहा है ईश्वर। सोच रहा है क्या मन ही मन मृतक तुल्य तू पड़ा पड़ा, तुम मरे हुए के समान पड़े पड़े क्या सोच रहे हो। यानी हम जब कह देते हैं ना प्रमाद, आलस्य जब छाता है तो मनुष्य क्या करता है, पड़ा रहना पसंद करता है, कर्म नहीं करना चाहता है, कर्म में उसको जी चुराता है कर्म से। तो यहाँ वो कह रहा है तुम मरे हुए के समान पड़े पड़े क्या सोच रहे हो, मन ही मन क्या विचार कर रहे हो, बढ़ती ही जाती है क्लांति, शांति नहीं है तो है श्रांति। और जीवन मार्ग में निरंतर कर्मनिष्ठ रहने से थकान बढ़ जाती है, बढ़ती ही जाती है क्लांति, क्लांति मतलब थकान, तो थकान बढ़ती जाती है, इसे शांति नहीं अपितु श्रम करने के बाद होने वाली थकावट कहते हैं। अर्थात जीवन का अस्तित्व श्रमनिष्ठ में ही है, यानी कर्म करने में ही है, उसी से वास्तविक शांति और सुख मिलता है। तो यहाँ पर अनुप्रास, उपमा और पर्यायोक्त अलंकार है, शब्दावली तत्संप्रधान है। अगला पद चलते हैं हम, अपने आप घिरा बैठा है, अपने आप घिरा बैठा है तू छोटे से घेरे में, नहीं उबता है क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में, मची हुई है नीरव क्रांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। यहाँ फिर आगे कवि कहते हैं, पहले बताए उन्होंने कि श्रम में ही है वो जीवन का सच्ची शांति है, आनंद है। आगे वो कह रहे हैं, कवि इसी क्रम में आगे कहते हैं कि अरे मानव अपने आप घिरा बैठा है, अरे मानव तुम अपने आप ही अपने विचारों में उलझे हुए, घिरे हुए, अकेले ही बैठे हो या विचारों में घिरे हुए ही बैठे हो, तू छोटे से घेरे में और तुम अपने घेरे से बाहर नहीं निकल रहे हो, नहीं उबता है क्या तेरा जी भी इस अंधेरे में, क्या इस तरह उलझन और या अकर्तव्य, क्योंकि आलस्य और प्रमाद, आलसी व्यक्ति है वो अपने में ही लगा रहता है, अपने में उलझा रहता है, सोया रहेगा, उन्माद सा रहेगा उसमें और ना कोई काम करने का मन करेगा। तो वो कहते हैं तुम अपने घेरे से बाहर निकल रहे हो, क्या इस तरह उलझन का अकर्तव्य रूपी अंधेरे में रहने से तुम्हारा हृदय नहीं उबता है, कि तुम्हारा कर्म करने का मन नहीं करता है क्या, कभी भी तुम कर्म के लिए तत्पर होने की कोशिश नहीं करते हो क्या। जीवन के अस्तित्व की खातर इस संसार में शब्दहीन क्रांति मची हुई है, मची हुई है नीरव क्रांति, नीरव कैसी है, चुप मौन। तो इस तरह की है जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए है संसार में एक शब्दहीन क्रांति मची हुई है, इसीलिए जिसे तुम शांति समझ रहे हो वह शांति न होकर श्रमोत्तर होने वाली थकावट है। आगे वो फिर कहते हैं, द्वार बंद करके भी तू है चैन नहीं पाता डर से, तेरे भीतर चोर घुसा है उसको तो निकाल घर से,
चुप रहा है वह कृति क्रांति, शांति नहीं यह तो है भ्रांति। और अगला पद भी इसके साथ ही ले लेते हैं बच्चों। तूने ये सब ढंग रचा, होकर यो अवसन और जड़, वह पहले ही कहाँ बचा जीवन का अस्तित्व शांति, शांति नहीं यह तो है श्रांति। इसमें कवि कहता है आगे, कवि निराशा और हताश व्यक्ति को लक्ष्य करके फिर कहता है कि अरे मानव, तुम भले ही द्वार बंद करके स्वयं को सब तरफ से सुरक्षित मान रहे हो, क्या है द्वार बंद करके भी तू है चैन नहीं पाता डर से, अपने आप को सुरक्षित मान रहे हो, कर्म नहीं कर रहे हो, श्रम नहीं कर रहे हो और अपने आप को ही समझ रहे हो ठीक है मैं जैसा भी हूँ, तो तुम अपने चारों तरफ के दरवाजों को बंद करके और अपने आप को सुरक्षित मान रहे हो, परंतु इससे तुम्हें अपने हृदय में बैठे हुए भय से चैन नहीं मिलता है। तुम्हारे हृदय में जो चोर घुसा हुआ है, जो ब्रह्मग्रस्त दुर्भाव भरा हुआ है, चोर का मतलब यहाँ पर चोर, चोरी डकैती करने वाला नहीं, तो ब्रह्मग्रस्त दुर्भाव, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी तो किस्मत ही ऐसा, ज़्यादातर प्रमादी व्यक्ति ऐसे ही बात करते हैं, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं तो हूँ ही ऐसा ही, मैं उसकी तरह कैसे बन सकता हूँ, तो ये जो भयग्रस्त दुर्भाव भरा हुआ है उसे तुम अपने हृदय से निकाल दो, क्योंकि वह बुरा भाव ही तुम्हारी कार्य करने की क्षमता या कार्य कुशलता से चुरा रहा है, चुरा रहा है वह कृति कांति, वह तुम्हारे कर्म की कांति को, आभा को, चमक को चुरा रहा, चोर को चोरी तो करता है ना, तो यहाँ तुम्हारा ये जो भयग्रस्त दुर्भाव है वो तुम्हारी कृति कांति, तुम्हारे कर्म करने की चमक को चुरा रहा है, तुम्हें थका हारा बना रहा है, शांति नहीं यह तो है श्रांति। इसीलिए जिसे तुम जीवन में शांति समझ रहे हो वह वास्तव में कर्म करने के बाद होने वाली थकान है। आगे फिर वो कहते हैं, होकर यों अवसन्न और जड़, वह पहले ही कहाँ बचा जीवन का अस्तित्व शांति, शांति नहीं यह तो है भ्रांति, यह तो है श्रांति। इसी क्रम में कवि कहते हैं कि आगे भी, कि जिस जीवन की रक्षा करने के लिए तुमने ये तरीका अपनाया है, होकर यों अवसन्न और जड़, यह शिथिल और जड़ होकर के तुमने ये जो तरीका अपना लिया है, कौन सा है कि यही, ये जो तुमने अपने जीवन की रक्षा करने के लिए तुमने ये जो तरीका अपनाया है वह गलत है, क्योंकि इस तरह के आचरण से तुम उदास और शिथिल तथा अचेतन जैसे पड़े हुए हो, यानी तुम एक मात्र एक जीव, एक पिंड के समान पड़े हुए हो, तुम्हारे कोई अंदर हलचल नहीं है, वह पहले ही कहाँ बचा, तो जिससे तुम्हारा जीवन असुरक्षित है, जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ा हुआ है, जीवन का अस्तित्व चुप रहने, उदास रहने, अकर्मण्य रहने या मौन रहने में नहीं है, वह तो निरंतर कर्म करने व अशांत रहने में है, इसलिए जिसे तुम शांति समझ रहे हो वह तो श्रमोत्तर होने वाली थकावट की थकावट है, अर्थात थकान मिटाने के बाद पुनः कर्मरत रहने से ही जीवन का अस्तित्व सुरक्षित होता है। तो इसमें भी है, वो है अनुप्रास, रूपक, काव्यलिंग एवं पर्यायोक्ति अलंकार है, और इसमें कर्मनिष्ठा को बड़े ही सुंदर ढंग से कवि ने प्रतीकात्मक ढंग से है वर्णन किया है, और तुकांतता और पद्मैत्री बड़ी स्तुत्य है इसमें। तो आगे हम कल करेंगे बच्चों, धन्यवाद।